जनपद संभल के चंदोस में भारतीय जनता युवा मोर्चा व नगर पालिका परिषद के तत्वावधान में आज स्टेशन रोड स्थित शहीद भगत सिंह पार्क व शहीद गिरीश चंद्र अग्रवाल स्मारक पर चोरी चोरा कांड के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण पूर्व नगर अध्यक्ष डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा एवं उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित ने कार्यक्रम शुरू करके स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विशाल चौहान ने कहा, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डाक टिकट जारी किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनको रोकने के लिए क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया। आज इसके लिए 100 वर्ष पूरे हुए, जिसके अंतर्गत विभिन्न पार्कों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पालिका अध्यक्ष इंदु रानी, भूदेव शर्मा, राजकुमार ठाकरे, डॉक्टर TS पॉल, तरुण कुमार नीरज, पवन मुखिया, डॉक्टर अमित वाषणे, मोर मुकुट वाषणे, राजेश पाल, विमल कुमार, सुनील तवडिया, राजू पाशी, रोमी चौधरी, अनुप ठाकुर, इशाक गोयल, शगुन ठाकुर, ऋतिक चौहान, सुनील कुमार, सचिन श्रीवास्तव, शुभम चौहान, गिरीश शेलू, सौरभ शंखधार, नीलेश यादव आदि उपस्थित रहे। आज चोरी चोरा घटना की बरसी थी। जो लोग उस समय असहयोग आंदोलन में लोग क्रांतिकारी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसकी पुलिस ने ये विरोध को दमन करने का काम किया, तो वहाँ घटना घटित हुई जिसमें कि 22 जो पुलिसकर्मी थे अंग्रेज सेना के वो मारे गए थे। उन्होंने उन क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए इस घटना के लगभग 1.5 वर्ष के भीतर लगभग 172 क्रांतिकारियों को फांसी दी थी। उसी जो वो उस घटना में 172 क्रांतिकारी थे, वो हमारे देश के लिए काम कर रहे थे, राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, समाज के लिए काम कर रहे थे, देश की स्वतंत्रता संग्राम में काम कर रहे थे। तो ऐसे लोग, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने देश और राष्ट्र और हमारे समाज के लिए काम किया, उनको आज हम सब लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज एक डाक टिकट भी जारी कर रहे हैं और 11 बजे वो देश को संबोधित भी करेंगे। देखिए सर, पता, भारत देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। आज़ादी के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने, सैनिकों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर किया है। तो आज देश के प्रत्येक व्यक्ति को देशभक्त होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए और राष्ट्रहित में काम करना चाहिए। जो चोरी चोरा कांड हुआ विश्व विख्यात है, बहुत बड़ा कांड हुआ। असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, जब आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे उनके पे अत्याचार हुआ, उनके 170 से ऊपर लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो ये बहुत बड़ा कांड था। लेकिन आज भारत के युवाओं को जगाना चाहते, युवाओं को क्या बताना चाहते कि हमारे देश को फिर से पुनः इसी तरह विकास की ओर लेके चले और अपनी आज़ादी के लिए किसी का भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश को आगे लेके जाना है, युवाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सबको सैनिकों के सम्मान में, वीर सपूतों के सम्मान में ये आज हम लोग शहीदी दिवस मना रहे हैं। इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए और पूरे सरकारी कार्यक्रम हो चाहे प्राइवेट हो, सभी लोग अपने अपने तरह से मना रहे हैं सैनिक दिवस, कि इस तरह शहीदों को सम्मान दें और हम सब अपने देश के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहें। जय हिंद, जय भारत।